हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेबोसिट्रीजन प्लस मोन्टेलुकास टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिल जाती है साथ ही इसके यूज़ के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे इसकी क्या डोज रहती है और इसे कितनी मात्रा में लेनी होती है यह जानेंगे और अंत में बताएंगे आपको इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जरूर से कर ले तो चलिए शुरू करते हैं तो लेबोसिटीजन और मोन्टेलिकास दवा का जेनेरिक नाम है और यह एक ब्रोंकोडाइलेटर एंटीस्टमेनिक ग्रुप का दवा है जो कि सामान्यतः एलर्जी को खत्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसके अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें यानी आप इसे किस नाम से मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं तो इसे आप मोन्टेयर एल सी मोन्टेक एल सी लेबोसिट एम और भी कई सारे ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं साथ ही साथ यह इसके जेंडिक नेम लेबोसिट्रोजिन प्लस मोन्टोल्यूकास्ट के नाम से भी आसानी से मिल जाती है इसके अलावा भी कई सारे अन्य ब्रांड नेम हो सकते हैं जो कि आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं अब इसके यूज़ के बारे में पूरे विस्तार से जान लेते हैं तो सबसे पहले यदि बात करें इसके उपयोग की तो जो सीजनल एलर्जी होती है जो मौसम बदलने के कारण जो एलर्जी होती है जिसमें नाक बहना शुरू हो जाता है आंखों से पानी आने लगता है और बहुत ही ज़्यादा छीके चलने लगती है तो इन सभी को ठीक करने के लिए लेबोसिट्रीजन प्लस मोटेल्युका टेबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी का अस्थमा हुई होती है तो उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर भी काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर के द्वारा यह टेबलेट दी जाती है और यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है जिस कारण से उनके ब्रोंकाई में या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है साथ ही साथ नाक बह रही है तो उसके ट्रीटमेंट में भी यह दवा दी जाती है और यदि आर्टिक एरिया जिसे हम साधारण भाषा में खुजली कहते हैं और यदि किसी व्यक्ति को स्किन एसिस के कारण स्किन एलर्जी के कारण या फिर किसी छोटे कीड़े द्वारा काट लिए जाने के कारण स्किन में रेडनेस हो गई है या फिर खुजली चलने लग गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी लेबोरेटरीज प्लस मोन्टेल्यू टेबलेट दी जाती है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूलने लगती है या सांस लेने में परेशानी होती है एक तो यह नॉर्मल स्थिति होती है जब व्यक्ति को एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूलने लगती है लेकिन यह बहुत ज़्यादा होने लगती है जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस वक्त पेशेंट को यह टेबलेट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है साथ ही साथ जो कॉमन कोल्ड होती है जिसमें सर्दी जुकाम होता है नाक बंद हो जाती है गले में खराश रहता है या गले में दर्द रहती है और साथ ही साथ आँख और नाक से पानी बहने लगती है तो उस समय यदि लेबोसिट्रोजन प्लस मोन्टेल्यूकस टेबलेट को उपयोग में लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और यदि आपको किसी प्रकार की गले में पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो जाती है गले में दर्द रहता है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यह टेबलेट बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहता है तो यह हमने लेबोसिट्रीजन प्लस मॉटोलिकस टैबलेट के यूज़ के बारे में पूरे विस्तार से आपको बता दिया हो इन सॉट अगर बात की जाए तो अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो जो कि आपके ब्रोंकिया से रिलेटेड है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए लेबोसेट्रीजन प्लस मॉन्टोलिकस टैबलेट दी जाती है इसके यूज़ को पूरे विस्तार से जान लेने के बाद अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में तो सामान्यतः तो इसकी जो डोज दी जाती है उसमें इस टेबलेट को एक टेबलेट दिन भर में लेने की सलाह दी जाती है और इसे हमेशा रात को सोते वक्त लेना होता है जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके और इस टैबलेट को लेने की वजह से थोड़ी बहुत नींद आ सकती है जिससे कि इसे रात पर लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यदि आपको ज़्यादा समस्या है आपको ज़्यादा एलर्जी है तो इस टेबलेट को दिन में दो बार लेने तक की सलाह दी जा सकती है और इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले दोनों ही वक्त ले सकते हैं अब अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं तो वैसे तो इसका कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि व्यक्ति को हो सकते हैं जैसे कि व्यक्ति को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है डायोरिया हो सकता है मांसपेशियों में मड़ोर आ सकती है स्किन में कुछ रेसेस आ सकती है और कुछ रेयर केसेस में व्यक्ति के नाक में ब्लीडिंग हो सकती है तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है यदि आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलती है तो तुरंत इस दवा को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से मिले ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दी जा सके तो यह थी लेबोसिडीजिन प्लस मोटेल्यूकस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ वीडियो कैसे लेके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में